हाय सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कह रहे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आई वॉजन कीपिंग वेल फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, तो अभी अभी मैंने रिकवर किया है और अभी तक वो ड्राइनेस है मेरी आवाज़ में, मेरी थ्रोट में। अगर मैं कहूँ तो जब मैं बोलती हूँ तो मुझे वो ड्राइनेस फील हो रही है, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो। बट चलो ठीक है, वो तो तबीयत ख़राब होने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है पैसों के लालच का दर्दनाक बयान। ये जो रिक्वेस्ट मुझे आया है वो आमिर खान है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस वीडियो के ऊपर भी रिएक्ट करूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इसमें पैसों के लालच के बारे में क्या चीज़ बताई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैं आपको बताऊं एक चीज, जिन चीजों को हम समझते हैं कि यही कुल है दुनिया में, नौजवान ये समझता है कि एक खूबसूरत लड़की मिल जाए पूरी जिंदगी है, देखो उसी पर तो शेर व शायरी करता है, उसी पर तो पूरी मोहब्बत के नगमे गाता है, उसे मालूम नहीं कितने दिन क्या ये आयश है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि माल गाड़ी कार बंगला हो जाए यही सब कुछ है। तकरीबन इन्हीं में हम सब दौड़ रहे हैं, इन्हीं में हम दौड़ रहे हैं। एक बादशाह ने ऐलान किया कि आज मेरी इनायतों का दरिया जोश में है, मैं खूब अता करूंगा। लोगों को बुलाया, एक कोई बंदा ऐसा आ जाए जिसके लिए मैं कहता हूं अपने हाथ में एक छड़ी ले ले, लकड़ी ले ले, और वह जमीन पर दायरा खींचता जाए सुबह फजर के बाद। अब वो दायरा खींचता खींचता सूरज के डूबने से पहले पहले तक जितना दायरा खींच लेगा वो पूरी जमीन उसके नाम पे कर दूंगा। दिन भर में आप कितना कितने एकड़ खींच लेंगे, अगर फ्री में मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। दायरा खींचने के लिए कहा कि जो लकीर से सर्कल बना ले जितना बना लेगा, लेकिन टाइम है सूरज डूबने से पहले पहले तक। उसमें से एक वजीर या एक सिपाही आगे आया और उसने अपने हाथ में छड़ी ले ली। बादशाह सलामत मुझे इजाजत दे दे। और बादशाह ने कहा कि अगर सूरज डूब गया तो फिर एक एक बालिश्त जमीन भी नहीं दी जाएगी, यानी एक फिट जमीन भी नहीं दी जाएगी। हाँ, सूरज डूबने से पहले पहले तक यहां पर दायरा मुकम्मल कर। अब वो निकला छड़ी लेकर के लकीर खींचते खींचते, उसे बहुत बड़ी जमीन चाहिए थी, इतनी बड़ी कि उस सल्तनत में किसी की ना हो। जब फ्री में मिल रही, खींचता खींचता वो गया, काफी दूर तक चला गया। दोपहर हो गई, थक गया, कुछ दौड़ा कुछ चला। अब जब दोपहर होकर सूरज ढलने लगा तो उसने सोचा वापस हो जाते, चूंकि जहां से मैं दायरा खींचा हूं वहां तक ला करके लकीर को मिलाना है, इतनी जमीन मेरे नाम पे। अब वापस हुआ, अब ये कितने किलोमीटर की जमीन घेरा था वल्लाह वालों, दौड़ा था उसने सुबह से लेकर दोपहर, ना खाना है ना पानी है, दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते सूरज पीला हो गया, असर का वक्त आ गया। अब उसने देखा कि बादशाह का महल और सिपाही सब करीब नजर आ रहे हैं, दिल में ठंडक हो गई, मैं पहुंच जाऊंगा सूरज के डूबने से पहले पहले, मेरे बिगिनिंग पॉइंट जो है जहां से स्टार्ट हुआ तो वहां तक पहुंचना है मुझे। लेकिन थक गया था, आजा जवाब दे रहे थे, निढाल हो गया, शायद आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर बाकी रह गया होगा, चलने की सकत नहीं रही। लेकिन बाहर से वहां से लोग आवाजें दे रहे थे, बहुत लंबी जमीन तूने घेरा है, इतनी बड़ी जमीन किसी को नहीं मिली सल्तनत में, आजा दौड़ते हुए। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिलाया, दौड़ा और तेजी से दौड़ा, फिर दौड़ा, सूरज डूबने के बिल्कुल पास में आ गया, सूरज गुरूब होने के लिए बस आधा सूरज अंदर जा चुका था, और इसका पॉइंट जहां से शुरू किया था वो भी करीब नजर आ रहा था, वो भी करीब नजर आ रहा था। दौड़ा और दौड़ा यहां तक कि अपने उस पॉइंट के बिल्कुल पास में पहुंचा, लेकिन सूरज डूबा। कितना बाकी था, सूरज डूबने से पहले पहले वो अपने पॉइंट पे पहुंच गया, पहुंच गया। इस तरह
कि पैर उसके एक तरफ, हाथ उसके इस तरफ, सो करके उसने अपनी लकड़ी आगे की, पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद सूरज डूब गया। अब उसकी हो गई जमीन जितना सुबह से लेकर दौड़ा था, उसकी हो गई जमीन। लेकिन जब करीब में आए, उठाने की कोशिश की, तो उसका इंतकाल हो चुका था। दिन भर ऐसा दौड़ा था कि रूह निकल गई, उसी तरह पड़ा था। उसके पैर और उसके हाथ, उसका हाथ की मौजूद लकड़ी उस पॉइंट तक पहुंची हुई थी और वो वहां मरा हुआ पड़ा था, रूह निकल चुकी थी। बादशाह आया, वजीरों को कहा, उठाओ, इसकी कब्र यही बनाई जाएगी जहां ये इंतकाल किया है। उसकी कब्र वहीं खोदी गई। कितनी, कितने फिट का रहा होगा, 6 फिट का रहा होगा, जितना भी रहा होगा, कब्र उसकी बनाई। बादशाह ने एक बहुत तारीखी जुमला उसकी कब्र पर लिखा, कहा कि इसको जरूरत सिर्फ 6 फिट की थी, दौड़ा पूरे दिन भर, इसको इतनी जरूरत थी और दौड़ा इतना कि अपनी मौत के मुंह में चला गया, मौत के मुंह में चला। यही हमारी जिंदगी है आज, तकरीबन इसी की तरह हम भी कर रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं पता ही नहीं चलता कि कहां मौत आ गई। तुम्हें उन तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं थी जिसके पीछे पड़े हुए हो, सब तो अल्लाह ने लिख करके भेजा है। अरे मियां, तुम अपनी मां के पेट में 100 दिन के नहीं थे, तब अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके लिखवा दिया, इसे इतना रिस्क लिख दो, इसे इतने औलाद लिख दो, इसे इतनी खुशबख्तियां लिख दो, सब लिखा जा चुका है। जो मिलना है उस पर हम पूरी जिंदगी क्यों दांव पर लगाएं? हमें तो उस मौला को राजी करने के लिए जिंदगी खर्च करनी चाहिए। हम वो नहीं कर सके। मैं यहां चंद बुजुर्गों की बात बता दूं, अल्लाह वाले क्या दुनिया में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया? मखदूम अली शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद शाह मीना रहमतुल्लाह, लखनऊ के बड़े बुजुर्ग, उनकी सीरत में मैंने पढ़ा, जानते हैं इबादत भी कैसे करते थे। अल्लाह अकबर, रात के वक्त खुली दीवार जो होती, कंपाउंड जैसे होता है दीवार, दीवार के ऊपर खड़े हो जाते थे, इबादत के लिए खड़े होते थे, इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, बीच में दीवार है, खड़े खड़े इबादत करते थे रात तक। लोग कहते कि हुजूर मस्जिद है, नीचे सहन है, आराम से करें। कहते जब आराम मिलता है तो नींद आ जाती है, आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। मैं दीवार पर खड़ा होता हूं और रात को नींद आती है तो कभी कभार दीवार से गिर जाता हूं, तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं? कहा हां, जो जिस्म गाफिल होगा उसकी सजा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए, जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सजा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे, जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपने जिस्मों को सजा दे देते थे। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को जिक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े, जुम्मा में सोते हैं, बहुत सारे लोग तो जुम्मा में अपनी नींद कंप्लीट करके आते हैं, पता ही नहीं चला कि इमाम कब खड़ा हुआ, इकामत कब हुई, खुतबा तो पूरा नींद में चला गया। वल्लाह वालम सोते हैं या फिर कश्फ करते हैं, मुराकबा करते हैं, चौथी मंजिल पर पहुंचते होंगे। अजीजा ने गिरामी, ये वो दिल सोता है जिसे अपने रब ताला की तरफ तवज्जो नहीं होती। वो आया है रस्म अदा करने के लिए, वो आया है लोगों के दिखावे के लिए। दिल की तवज्जो और दिल की हुजूरी हो तो नींद कहां की। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, रात के वक्त झपकी आ गई, थोड़ा सा ओंग आई, क्या किया जानते आप? वो खड़े हुए, पहली मर्तबा रात में ऐसा हुआ कि मुझे ओंग आ गई, कैसा हुआ? उसके बाद गए, सुरमा लगाने की सलाई लेकर नमक में फेरा और नमक पूरा आंखों में लगाया, आंखों में नमक लगाते, जरा लगा करके देखो अपनी आंखों में नमक क्या हालत हुई,
सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से खून रस्ता था, खून रिसता था, टपकता था, और इसी हालत में वो इबादत करते थे। लोगों ने पूछा, क्या ये इस तरह से करना सही है आपका? अपनी आंखों को आपने नमक में डाल दिया? वो हंसते थे, कहा ये गाफिल आंखों की तो बहुत छोटी सजा है, बहुत छोटी सजा है कि मैंने नमक फेर दिया। अगर इसी तरह जिंदगी भर गाफिल रही तो इसमें तो आग की सलाइयां फेरी जाएंगी, आग की सलाइयां फेरी जाएंगी, मैं तो नमक फेर रहा हूं। अजीजा ने गिरामी होकर कहा, हो तुम किस जगह पर खड़े हो आज? अपना मकसद है जिंदगी को तो समझ लो, मुझे क्यों पैदा किया था रब ताला? क्या इसीलिए कि लोगों के ताने, लोगों को की जासूसी में मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं? किसके घर में क्या पक रहा है वही बात करते बैठा रहा हूं, किसकी बीवी कैसी है वो डिस्कस करता बैठा रहा हूं, किसके घर में अभी कितने शादी के लोग हैं वो डिस्कस करता बैठा रहा हूं, किसकी दुकान ठप पड़ रही है ये डिस्कस करता बैठा रहा हूं? तुम्हारी जिंदगी इसीलिए है? पूरी दुनिया भर के गिल्ले ताने और शिकवे, गइबत, चुगलियां इसके लिए है? मेरे अजीज, अपनी जिंदगी का मकसद समझो, और आज के बाद ये तय कर लो कि मैं दुकान में हूं कि मकान में हूं कि रास्ते पर हूं, लोगों की आयब जोई करने से बेहतर है कि मैं अल्लाह को सुभान तो कहूं, मैं कहूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मा अज़मा शानुका, ऐ अल्लाह तू कितना बुलंद है, तेरी शान कितनी बड़ी है। लेकिन उसकी तारीफ में जितने जुमले निकले, जितने जुमले निकले, वो तुम्हारी नेकियों के पल्ले को इतना भर देते हैं कि कयामत के दिन तुम फख्र के साथ उठाए जाओ। अपने इन औकात को फजूलियात में ना बर्बाद करो, फजूलियात में नहीं। सो इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बिल्कुल ही हकीकत बयान की है। ये सच में हर इंसान की ज़िंदगी की ये हकीकत है कि उनकी सिर्फ लाइफ में एक ही डिज़ायर होती है कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, हमारे पास इतना पैसा हो जाए। और अगर किसी इंसान को ये चांस मिले कि ये आप ही डिसाइड करोगे कि आप कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो या कितना पैसा एक्वायर कर सकते हो, कि आपके सामने ये ऑप्शन है, जो कि इस वीडियो में भी मुफ्ती अज़हरी साहब ने एक एग्जांपल दिया था कि एक राजा ने बोला था कि जो इंसान जितनी एक लाइन ड्रॉ कर लेगा सुबह से लेके शाम तक सूरज के छुपने से पहले पहले, तो वो सारी जगह उसी की हो जाएगी। तो उस लालच के पीछे वो जो बंदा था वो इतना भागा कि वो मीन्स ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के पीछे भाग भाग के अगर आप उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हो, लेकिन जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो, रियलाइज़ करते हो अभी तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एंड पे आ गई है या आपकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है या ख़त्म होने वाली है, तो वो जो सारा कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है या जो सब कुछ भी एक्वायर किया है उसका क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। तो ये तो हर किसी इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है कि हम लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्वायर करने के लिए भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। भागने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली ऐसे ऐसे करके भागते हैं, उनका मीनिंग है कि वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द थिंग्स कि हम अच्छी जॉब कर लें। पहले तो होता है कि हम अच्छी क्वालिफिकेशन ले लें ताकि हम लोगों को अच्छी जॉब मिल सके। अच्छी जॉब मिलने के बाद होता है कि हम और मेहनत करें ताकि हम लोगों को प्रमोशंस मिल सकें, फिर हम लोगों को अच्छा अप्रेजल मिल सके। तो वो सब चीज़ें तो हर इंसान की लाइफ में चलती रहती हैं। पहले अच्छी जॉब मिलने के बाद में अच्छी प्रमोशन, प्रमोशन मिलने के बाद में इंक्रीमेंट्स अच्छे मिलने चाहिए। तो ये पैसे का लालच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं जा सकता, क्योंकि इसको चाहे आप लालच कहो, चाहे लालच इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस, कि हम लोग अपनी फैमिली को सारी फैसिलिटीज देना चाहते हैं इसलिए वी आर वर्किंग सो हार्ड, तो लालच तो नहीं कहेंगे। बट ठीक है कि हर इंसान इस ज़िंदगी में अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को हर एक फैसिलिटी देना चाहता है ताकि उनकी फैमिली मेम्बर जो है वो किसी दूसरे की तरफ देखकर ये ना कहें कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ तो होती है, मतलब हर बंदे की ख्वाहिशें होती हैं। जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मेरी जो पुरानी गाड़ी थी, जब मैंने उसे सोचा था कि अब इसको हम लोग निकाल देते हैं और नई गाड़ी लेते हैं, तो पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग कोई भी ऐसी गाड़ी ले लेंगे जो कि विद इन 15 लाख में आ जाएगी। तो जब हम लोग गए गाड़ी देखने के लिए तो ओबियसली 15 लाख में तो क्या ही कोई, मतलब आ जाती है अच्छी गाड़ी, आ जाती है, ऐसा नहीं है कि 15 लाख में कोई अच्छी गाड़ी नहीं आती,
बट हर इंसान का एक वो जो होता है ना टारगेट सेट होता है कि मुझे इस तरह का कुछ भी चीज चाहिए। तो हम लोग जब गए, हम लोगों ने गाड़ी देखी, तो हम लोगों ने सबसे पहले एम जी हेक्टर देखा, तो आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड कि एम जी हेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स, तो मुझे ले लेनी चाहिए। बट जब मैंने उसके रिव्यू पढ़े तो इट वॉज़ बिग नो। इंटीरियर वाइज नो डाउट इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो बट नहीं, मतलब जब सब लोगों ने बोला कि नहीं लेने चाहिए। फिर सेकेंड ऑप्शन था क्रेटा। क्रेटा भी अच्छी है बट उसका जो बॉडी है थोड़ा सा मुझे मतलब छोटा लगा कि इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो ये वाली कार क्यों लेनी। फिर हम लोगों ने टाटा हैरियर देखा, तो टाटा हैरियर देख के आई वॉज लाइक फ्लैट कि टाटा हैरियर ही लेना है। तो हमारा बजट सीधा 15 लाख से 22 लाख पे पहुँच गया। तो आई वॉज थिंकिंग कि 22 लाख रुपीज़ एक कार पे इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है। फिर आई थॉट कि चलो ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर लेना चाहिए, तो कर ही लिया। तो ये अब इसको लालच बोले या क्या, नहीं लालच तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चीज़ ले, क्योंकि हमारा रोड ट्रिप बहुत ज़्यादा रहता है। और हम लोगों ने जो माइलस्टोन सेट किए हुए थे गाड़ी लेने के लिए, वो हमारे यही था कि गाड़ी स्पेशियस होना चाहिए और ताकि पीछे बीच वाली सीट में त्रिरक्षा आराम से कंफर्टेबल होके सो सके। फिर उसके पीछे डिक्की में इतना स्पेस होना चाहिए कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं फॉर अ वीक और 10 डेज, तो हम लोग अपना वहाँ पे लगेज को अच्छे से प्रॉपरली वहाँ पे सेट कर सकें, और मीन्स कंफर्टेबल होके मैं भी आगे वाली फ्रंट सीट पे जो को ड्राइवर सीट होती है उस पे मैं भी थोड़ा अच्छे से रिलैक्स होके लेट सकूँ। तो ये कुछ हमारे माइलस्टोन सेट थे पहले से ही, तो इसलिए हम लोगों ने टाटा हैरियर को प्रेफरेंस दी। तो हर शख्स के अपनी लाइफ के लिए वो जो माइलस्टोन्स होते हैं वो सेट होते हैं, तो वो लोग फिर बॉदर नहीं करते कि कितना पैसा उन लोगों को इन्वेस्ट करना है। और अगर हाँ वो चीज़ लेनी है तो आप लोगों को ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू अर्न मनी, तभी आप वो चीज़ें ले सकते हो। तो इसमें लालची या किसी बंदे को ये बोलना है कि लालच है ठीक वर्ड नहीं होगा, बट ये फैक्ट है कि हम अपनी उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए वी रियली वर्क वेरी हार्ड कि हमें वो सारी फैसिलिटीज मिलें और हम वो सारी फैसिलिटीज ले सकें, अपनी फैमिली को दे सकें वो सारी फैसिलिटीज। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि चलो छोड़ो कार लेनी ही नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप मेट्रो से, बस से, कार से, रिक्शा से ट्रेवल करते रहो ताउम्र। तो बट अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे अपनी डिज़ायर पे तो ऑब्वियसली हम लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, बट साथ में वर्क रियली वेरी हार्ड टू अर्न मनी फॉर योर फैमिली। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी। बाय बाय।